सो हेलो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी पे आज ये क्वेश्चन देखते हैं हम। SBI PO 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? अ बास्केट कंटेंस 4 रेड, 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड? ओके, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 मार्बल्स विच आर ड्रॉन आर रेड। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी पे थ्योरी हमने ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया है और उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। अब क्वेश्चन क्या है, देखो एक बास्केट है। इस बास्केट में क्या है? इस बास्केट में 4 रेड मार्बल्स हैं, 5 ब्लू मार्बल्स हैं एंड प्लस 3 ग्रीन मार्बल्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेट कि अगर हम यहाँ से 2 मार्बल्स इस बास्केट से हम उठाते हैं, ठीक है, हम यहाँ से 2 मार्बल्स विदड्रॉ करते हैं, तो वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, है ना? रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है दैट 2 मार्बल्स आर रेड? तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बताया था हमने आपको थ्योरी में, जो कि पिछले लेक्चर में कंडक्ट कर दिया है, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑकरेंस टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब यहाँ पे इवेंट्स कितने हैं? तो हमारे पास इवेंट्स कितने हैं? हमारे पास इवेंट्स है 4 + 5 + 3। दैट मीन्स हम अगर हम विड्रॉ करते हैं यहाँ से एक मार्बल, तो हमें 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12। इस 12 मार्बल से कोई भी एक मार्बल निकल सकता है, ठीक है, कोई भी एक मार्बल हमारा आउट हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है हमारे पास? 12 है फर्स्ट टाइम के लिए, अगर हम फर्स्ट मार्बल की बात करें। मान लो हम यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट मार्बल, तो इसमें अगर हम फर्स्ट मार्बल निकालें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे? 12, क्योंकि यहाँ से कोई भी एक निकल सकता है। अब वो रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये जो 4 है, इस 4 में से कोई भी अगर एक निकलता है, ठीक है, इस 4 में से कोई भी एक रेड निकल जाता है, तो दैट मीन्स वो हमारा मार्बल रेड होगा, वो हमारी ऑकरेंस है, वो जो हमारी है वो एक्सपेक्टेशन है, वही होता है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से 4 रेड मार्बल्स आ गए, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइम वो विड्रॉ करता है, जब सेकेंड टाइम विड्रॉ करता है रेंडमली कर रहा है, इसीलिए क्या है, एंड मल्टीप्लाई होगा, एंड होगा ना, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कर रहे हैं एंड देन सेकेंड टाइम। अब सेकेंड टाइम में क्या है, तो देखो सेकेंड टाइम में क्या है, 4 रेड ना होके कितना हो गया अब, 3 रेड, 1 तो ऑलरेडी निकल चुका है, प्लस 5 ब्लू प्लस 3 ग्रीन, है ना, 1 ऑलरेडी निकल चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, यहाँ से इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक रेड निकल चुका है, तो 3 रेड हो गया। अब हमारे पास ऑकरेंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स थी, तो 3 + 5 + 3 = 11। ओके, एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ से अब क्या है कि ये 3 में से अगर कोई भी अगर आपका आता है, ठीक है, ये 3 में से अगर कोई भी एक मार्बल आप निकल जाता है, तो दैट विल बी योर ऑकरेंस, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, ये समझ में आया, ये 4 यहाँ क्यों लिया, क्योंकि 4 रेड में से कोई भी एक आ जाए दैट इज आवर प्रोबेबिलिटी, एंड 12 टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सेकेंड टाइम में क्या है कि एक निकल गया तो 3 ही रेड बचा है ना, तो 3 एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में से 11 हो गया। अब आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/11। सो क्या ये ऑप्शन में है, या ऑप्शन सी।